हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रानी। और आज हम बनाएंगे गाजर और बीटरूट का इंस्टेंट अचार, जो खाने में बहुत टेस्टी है और हर कोई इसको खाना चाहेगा। इस तरीके से बनाओगे तो इसके लिए मैंने लिए है 2 गाजर और 1 बीटरूट। इनको मैंने धो लिया है, पील कर लिया है और इनको हम पतले पतले स्लाइस में कट करेंगे। हमारा गाजर और बीटरूट कट गया है तो इसके लिए हम बनाएंगे मसाला। पहले लेंगे, गैस चालू करेंगे, उस पर लेंगे एक तवा। तवे पे डालेंगे 2 चम्मच पीली सरसों। पीली सरसों को हम थोड़ा सा गरम तवे पे भून लेंगे 1 मिनट के लिए। सरसों हमारी लगभग भून गई है, इस पे हम डालेंगे और 1 चम्मच कलौंजी। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है अचार में। हम ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करेंगे, जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कूट लेंगे दरदरा सा, आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही थोड़ा मोटा मोटा सा, तो मैं ऐसे ही कूट लूँगी। उसके बाद मैंने लिया है 4 चम्मच सरसों का ऑयल, जिसको हम गरम कर लेंगे अच्छे से। जब तक भाप ना आ जाए उसमें से, तब तक इसको गरम करना है। उसके बाद लिए है मैंने 2 बाउल, उसमें हम गाजर और बीटरूट को मिक्स करके डालेंगे। दूसरे बाउल में भी ऐसे ही हम गाजर और बीटरूट डाल देंगे। देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है इसका। ऐसे ही बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए हम ये ट्रिक लगा के उनको गाजर और बीटरूट का अचार खिला सकते हैं। इसके बाद डाला है मैंने कूटा हुआ मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच डाला है मैंने चीनी। और उसके बाद ये ठंडा हो गया है थोड़ा सा ऑयल, तो ये ठंडा करके ही 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। रेडी है हमारा इंस्टेंट अचार। और एक दूसरा वाला जो अचार है वो भी हम बनाएंगे। ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप ट्राई करिए। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसमें, खुशबू भी इसकी बहुत बढ़िया आई है। दूसरा बाउल लिया है हमने, इसमें डाले हैं 2 चम्मच चीनी। चीनी डालने के बाद डाला है मैंने 1/2 चम्मच नमक। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसमें भी मैंने डाले हैं 2 चम्मच ऑयल गरम किए हुए। रेडी है हमारे 2 अचार, जो मैंने हम लोग बठिंडा में थे तब खाए थे। बहुत दिन हो गए तब से बनाए नहीं थे, अब बनाए। देखिए आप भी ट्राई करिए रेसिपी और शेयर कीजिए कमेंट करके कैसा बना है आपका रेसिपी। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसी ही नई नई रेसिपी सीखने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।